224 मकान बन रहे हैं यहाँ पे, फिक्र मत करो, पूरा बना बन गए सर। चलिए 10-15 दिन में काम शुरू होता, आप जरा हट के दूसरी जगह रह रहा था, 5 महीने के अंदर मकान बना के दे। शुक्रिया सर। 40 मकान बनाए जा रहे हैं, उसको आज ही हम सैंक्शन दे दिए और 10-15 दिन के अंदर ये काम शुरू हो जाएगा और 4.5 महीने में पूरे मकान 2 बेडरूम के आपको बना के दे देंगे। एक किचन होगा, 2 बेडरूम होगा, एक हॉल होगा और मकान के अंदर ही अंदर 560 स्क्वायर फीट का मकान पहली बार सारे हिंदुस्तान में यही बन रहे हैं। ये यही मकान यही भी बनेंगे हमको और जब इफ्तिता इसका होगा उस दिन मैं आऊंगा। सलाम वालेकुम। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर KCR ने पुराने शहर में गरीबों के लिए मकानों की तामीर को मंजूरी दे दी। दीपुरपुरे में वाक़े सैयद साहब के बाड़े में तेलंगाना हुकूमत ने गरीबों के लिए मकानों की तामीर को मंजूरी दे दी। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के आखिरी दिन KCR ने सैयद साहब के बाड़े का दौरा करते हुए मकानों की तामीर को मंजूरी दे दी और गरीबों के लिए यहाँ 5 महीनों में मकानों की तामीर का वादा किया गया। नूरखां बाजार बाल सिटी खेत में भी स्वच्छ प्रोग्राम का इनेकाद हुआ। नूरखां बाजार में वाटर रिजर्वर तामीर होगा। 12 करोड़ की लागत से वाटर रिजर्वर तामीर होगा। इस वाटर रिजर्वर का नाम हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अनहु रखा गया है। नूरखां बाजार में कई सालों से पीने के पानी की शदीद किल्लत थी, इस मसले को हुकूमत ने दूर करने का ऐलान किया। पर एक पानी के टैंकर रिजर्वायर की जरूरत है और इसका तखमिया लागत करीब 12 करोड़ रुपये है और साथ ही साथ मैंने इस बात की भी गुजारिश की कि हमारे पुराने शहर में जो ड्रेनेज लाइन का प्रोजेक्ट था वो बहुत से जगह पर मुकम्मल नहीं हुआ, उसको भी मुकम्मल करने की बेहद ज़रूरत है। मुझे ये बताते हुए खुशी होती है कि अभी चीफ मिनिस्टर साहब ने ऐलान किया कि दोनों काम को वॉर फुटिंग के ऊपर काम किया जाएगा और मैं जनाब चीफ मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूँ कि यहाँ पर जो वाटर रिजर्वायर बनाया जाएगा इसका नाम आप हजरत अब्बास के नाम से रखिए। अभी जो बात वाटर रिजर्वायर का कहा गया, अभी अफसरों से मेरा बातचीत हुआ, एक 12 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ 1000 किलो लीटर्स का टैंक अगर बन जाए तो ये पूरा इलाका जहाँ पानी बराबर नहीं आता, ऑलमोस्ट 4 से 5 हज़ार घराने पे अच्छे पानी आ जाएगा। और अफसरों ने मुझे वादा किया कि इसको अगर आप सैंक्शन करके ऐलान करें तो हम 6 महीने के अंदर मुकम्मल तौर पर इसको कंप्लीट करेंगे। मैं आपको वायदा दिलाता हूँ और MP साहब को भी यकीन दिलाता हूँ, कल शाम के अंदर अंदर ये 12 करोड़ का जीवो इश्यू किया जाएगा और उसका कापी भी मैं MP साहब को और डिप्टी CM साहब को भी भिजाऊँगा, मुकामी MLA साहब को भी भिजाऊँगा और काम जितना जल्द हो सके अफसर लोग टेंडर वेंडर बुलाकर उसका जो फॉर्मेलिटी है काम जल्द से जल्द 10 दिन में 15 दिन में शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह और कम्प्लीट भी हो जाएगा। और जो हजरत अब्बास दुनिया के मशहूर जाने माने एक दानिश्वर थे, इसीलिए हजरत अब्बास के नाम से ही ये रिजर्वायर का नाम रखा जाएगा और वही नाम से ये रिजर्वायर मशहूर भी होगा और उन्हें की इनायत से हमको अच्छे पानी भी यहाँ नसीब होंगे, मैं ऐसा कोशिश करता हूँ। छह महीने में काम हो जाता है।
पूरा पक्का है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर केसीआर ने 20 मई के रोज पुराने शहर का पहली मर्तबा दौरा करते हुए तरक्याती कामों और प्रोजेक्ट का ऐलान किया। चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज में 80 लाख की लागत से इमारत तामीर होगी। चंद्रानगर में वाटर लाइन को वसी करने से इत्तेफाक किया गया। केसीआर ने सईदाबाद चंचलगुड़ा जेल के पास भी प्रोग्राम्स में शिरकत की। केसीआर के दौरे के पेश नज़र सईदाबाद चंचलगुड़ा और मलकपेट में दुकानात और होटलें बंद कर दी गई थी। हैदराबाद न्यूज़ उर्दू .com।